यीशु मसीह जिंदा है तभी तो उसने आपको चंगा किया। यीशु मसीह जिंदा है तभी तो वो आपके बीच में काम कर रहा है। यीशु जिंदा है तभी तो वो आप सच्चा पश्चाताप करने पा रहे हैं। तभी तो कैंसर दूर हो रहा, तभी तो रोग दूर हो रहे, तभी तो दुख दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो जीवित है। जैसे प्रेरित के काम उसके 4:33 में हम देखते हैं, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देने लगे और उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। इस बात पे जब ये बात मैंने पढ़ी तो मुझे थोड़ा कुछ समझने के लिए मिला कि जब लोग कैसे चेलों के ऊपर कैसे वो दलेरी के साथ यीशु की जी उठने की गवाही देने लगे। बड़ी सामर्थ के साथ चेलों ने प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही दी और जब उन्होंने गवाही दी और उनके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह आ गया। आज यीशु मसीह बहुतों को चंगा करता है। आज यीशु मसीह बहुतों को रोगों को दूर कर देता है। पर जो लोग यीशु की गवाही देते हैं उनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह ठहरता है, क्योंकि जब वचन कहता है प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। यीशु मसीह जिंदा है तभी तो उसने आपको चंगा किया। यीशु मसीह जिंदा है तभी तो वो आपके बीच में काम कर रहा है। यीशु जिंदा है तभी तो वो आप सच्चा पश्चाताप करने पा रहे हैं। तभी तो कैंसर दूर हो रहा, तभी तो रोग दूर हो रहे, तभी तो दुख दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो जीवित है। जैसे आप बताएंगे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ये काम किया, मैं 30 साल से बीमार था, मैं रोगी था, मैं बेड पे पड़ा था, जब कोई और समस्या है आपके ऊपर, जैसे ही आप गवाही देते हैं कि यीशु ने, वो जीवित परमेश्वर है, उसने मेरे लिए ये काम किया है, वैसे ही आपके ऊपर एक बड़ा अनुग्रह ठहर जाएगा। उसके बाद वचन कहता है उनमें से कोई गरीब ना रहा, उनमें से कोई जरूरतमंद नहीं था। उनके पास सारी चीजें सांझे की थी। गवाही देने का कितना ज्यादा फायदा है। यीशु मसीह के जी उठने की गवाही जब हम जा के लोगों को बताते हैं, जब यीशु हमारे जीवनों के अंदर काम करते हैं, जब हम जा के लोगों को बताते हैं, जब हम खड़े होके बताते हैं, मैं इतने साल का पापी था, मैं इतने साल से नशे करता था, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया, तब हमारे ऊपर एक बड़ा अनुग्रह ठहरता है। तब परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को खोल देता है, हमारे ऊपर से गरीबी का श्राप टूट जाता है और सारी जरूरतों को परमेश्वर अपने महिमामय धन से पूरा कर देता है। प्रेरितों के काम उसके 5:29-32 आयत को देखेंगे। पत्रस जी ने कहा, हम यीशु के गवाह हैं, हम चुप नहीं रह सकते, हमें मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। ये दलेरी कहां से आई पत्रस जी के पास? ये दलेरी पवित्र आत्मा जब पत्रस जी के उतरा, उसका जीवन बदल गया था, डर खत्म हो गया था, संदेह खत्म हो गए थे। अब पत्रस जी क्या उठे कि मैं यीशु का गवाह हूं। अब हम चुप रहने वाले नहीं है, अब हम दलेरी के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। क्या हम मनुष्यों की आज्ञा को माने या हम परमेश्वर की आज्ञा को माने? पत्रस जी के अंदर जो दलेरी कहां से आई? जब पत्रस जी के अंदर पवित्र आत्मा ने वास करना शुरू कर दिया। जब पवित्र आत्मा हमें वास करता है तब हमारे अंदर भी दलेरी उतर आती है, तब हम दलेरी के साथ यीशु का प्रचार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं पाया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा भी
इस बात की खुद गवाही देता है कि यीशु जीवित है। इन बातों के सिर्फ गवाह सिर्फ पतरस यूहन्ना ही नहीं थे, बल्कि इन बातों का गवाह स्वयं पवित्र आत्मा भी था। मैं उसी पतरस की बात कर रही हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, उसी पतरस की बात कर रही थी जिसने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया था। वही पतरस की बात कर रही जो कह रहा था कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसके साथ नहीं था, जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया। आज वही पतरस ये कह रहा है कि मैं यीशु का गवाह हूँ, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं मनुष्यों की आज्ञा को नहीं बल्कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। जब पवित्र आत्मा पतरस जी के ऊपर ठहरा तो पतरस नया बन गया। वो इनकार नहीं कर रहा, मैं उसी पतरस की बात कर रही हूँ जिसने 3 बार यीशु का इनकार किया था। जब पवित्र आत्मा उसमें वास करने लगा, वही पतरस ने कहा, मेरे प्रभु को सीधा लटकाया था, मुझे क्रूस पर उल्टा लटका दो। कहां से दलेरी आई उस पतरस जी के अंदर? ये पवित्र आत्मा ने खाइट किया। पवित्र आत्मा की संगति थी, पवित्र आत्मा की सामर्थ ठहरी, पवित्र आत्मा ने उन्हें दलेरी दी, हियाव दिया। नहीं तो आम व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा के बिना हमारे अंदर हियाव नहीं आ सकता कि हम यीशु की प्रचार करने पाए। पवित्र आत्मा ही है जो हमें चाहता है कि हम यीशु के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने पाए। पवित्र आत्मा ही हमें बलवंत करता है। कई लोग झूठी गवाहियां देते हैं कि मैं ऐसा था पर मैं ऐसा हो गया, लेकिन यीशु की गवाही सच्ची गवाही है। यीशु की गवाही जीवित गवाही है। यीशु की गवाही सचमुच प्रूफ के साथ है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो मारा गया था, गाड़ा गया था और 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा। और उसका गवाह पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ही हमें बलवंत करता है, पवित्र आत्मा ही हमें बल देता है ताकि हम यीशु की गवाही दे सकें, ताकि हम सिर्फ स्कूल कॉलेज या कंपनी की या हॉस्पिटल की ना गवाही दें बल्कि हम यीशु के जी उठने की गवाही दें, क्योंकि हम पृथ्वी के शोर तक यीशु के गवाह ठहरे हैं। पवित्र आत्मा संतों के साथ यीशु की गवाही देता है, जैसे कि हम देखते हैं स्तिफनुस जी के बारे में। स्तिफनुस जी लास्ट तक क्या उन्होंने यीशु का इनकार किया? नहीं किया। वो मौत, वो मरने के लिए भी तैयार हो गए। उन्हें तैयार किसने करा? पवित्र आत्मा ने किया। पौलुस जी को, पौलुस जी मरने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने मरते दम तक यीशु का इनकार नहीं किया। यूहन्ना जी का सिर काट दिया, उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया। कितने ही है खुदा के चेले जिनको अलग अलग ढंग के साथ मारा गया, किसी का सिर काट दिया, किसी को एक्स बनाकर उस क्रूस पर लटकाया गया, किसी को क्रूस पर लटकाया गया, किसी को पेड़ से बांधकर उसको भाले से मारा गया, किसी के चमड़ी को उतार दिया गया और उसे जला दिया, किसी को खौलते तेल में डाला गया, किसी को भाले के साथ मारा गया। कितने ही लोग खुदा के दास ऐसे हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे ये सब कुछ, वो अपने आत्मा के द्वारा ये सब कुछ सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने ही उन्हें बल और ताकत दी है, क्योंकि वो यीशु के सच्चे गवाह थे। वो यीशु की सच्ची गवाही लोगों तक पहुंचाते थे। जो सचमुच यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो सचमुच यीशु की गवाही के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मर गया था और मुर्दों में से 3रे दिन जी उठा, वो आखिरी सांस तक पवित्र आत्मा
की सहायता से परमेश्वर की गवाही देते रहते हैं और वो कभी भी हारते नहीं। उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी तसल्ली होती है। वो कहते हैं चाहे कोई हमें मार दे, चाहे काट दे, पर हम यीशु की गवाही देते रहेंगे। कौन हमें चुप करवाएगा? कौन हमें चुप करवाएगा? क्या हम पवित्र आत्मा की सुने या हम मनुष्यों की सुने? आज हमारे पास भी समय है। आप डरे मत, आप घबराए मत, आप शक में जीवन ना बिताएं। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के शोर तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। और आप ही, सिर्फ आप ही गवाह नहीं ठहरेंगे, पवित्र आत्मा भी गवाह ठहरा है और वो आपका भी गवाह ठहरेगा। जब स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन की गवाही देगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने बताएगा कि हे यीशु, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस तेरे बेटे ने तेरे लिए ये बलिदान किया है। जो कुछ आज आप कर रहे हो, जो कुछ आपने कर चुके हैं, वो सारी बातों को परमेश्वर देख रहा है, वो सारी बातों को पवित्र आत्मा देख रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा के सामने आपकी गवाही देगा कि आप विश्वास योग्य ठहरे के नहीं ठहरे। क्या आपने यीशु की गवाही दी या नहीं दी? परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, फिर आपने गवाही क्यों नहीं दी? पवित्र आत्मा आपसे पूछेगा, मेरे दास ने तेरे लिए प्रार्थना की, मेरी दासी ने तेरे लिए आंसू बहा के प्रार्थना की, बोझ के साथ प्रार्थना की, तेरी आंखें ठीक होगी, तेरा सिर दर्द ठीक हो गया, तेरा बीपी ठीक हो गया, तेरा शुगर ठीक हो गया, तेरा पैराराइट ठीक हो गया, तेरी गांठें खत्म होगी, तेरी पथरियां खत्म होगी, तेरा लिवर ठीक हो गया, तेरी किडनियां ठीक होगी, तेरा हार्ट ठीक हो गया, तेरे घुटने ठीक हो गए, तेरे कान ठीक हो गए। लेकिन तूने मेरी गवाही क्यों नहीं दी? इसलिए अपनी गवाही को मत ठुकराए, उसको जरूर दे, मत छुपाए अपनी गवाही को, अपने हृदय में संभाल के ना रखें, बल्कि जा के लोगों को बताएं कि यीशु जीवित है, यीशु ही परमेश्वर है, वही प्रभुओं का प्रभु, वही राजाओं का राजा है। आप अकेले नहीं कर सकते, पर पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता देगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो आपको बल देगा, वो आपको हिजाब देगा, वो आपको तसल्ली देगा, वो आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको पेश करना है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम हाकमों के सामने पेश किए जाएंगे तभी पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। इसलिए घबराए मत, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, हमें उत्तम आत्मा दिया है जो हम में वास करता है, जो आप में वास करता है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपको निराशा में जीने नहीं देगा, वो हमेशा आपको जय की ओर लेके जाएगा, वो हमेशा आपको आनंद की ओर लेके जाएगा।